सितारगंज किच्छा बाईपास पर रोडवेज बस और ई रिक्शा की टक्कर हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि एक बाइक सवार ने बस को ओवरटेक किया, जिसे बचाने की कोशिश में रोडवेज बस का संतुलन बिगड़ गया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। आपको बता दें कि बस में बैठी 3 दर्जन से अधिक सवारियों की जान बचा ली गई, वहीं केवल ई रिक्शा चालक घायल है, जिन्हें स्थानीय लोगों ने मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य में भर्ती करवाया। जानकारी मिलते ही विधायक और जनप्रतिनिधि कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के प्रतिनिधि उमा शंकर दुबे भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। सितारगंज से जफर अंसारी की रिपोर्ट। ये 2 पेशेंट हमारे पास घायल अवस्था में लाए गए थे, जो अपनी गाड़ी द्वारा यहाँ पे आए थे। दोनों का यहाँ रोड एक्सीडेंट में बताया गया है। दोनों की हालत अभी स्थिर है, दोनों भुसावास में है, दोनों को प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। अभी तो दोनों की हालत काफ़ी स्टेबल है, तो कोशिश है कि यहीं ट्रीटमेंट दे दिया जाए। अगर ऐसा लगेगा कि हालत थोड़ा गंभीर होगी तो उन्हें समय से फिर हम हायर सेंटर सुचला तिवारी के लिए सामने ही हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ है। ये उनको खबर जैसे ही मिली, मैं वहाँ पर मौके पर पहुँचा और उनको जो है जिनका एक्सीडेंट हुआ था उनको हॉस्पिटल भेजा गया और उनका इलाज चल रहा। वैसे स्थिति